दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव की गाइड को रेशियों को डिस्कस कर रहे थे। 20 तक सवाल हो चुका था और आज हम लोग 21 नंबर से सवाल को शुरू करते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला सवाल ये रहा। सवाल है, यदि ए बी का दोगुना है और बी का 3 गुना सी के 4 गुना के बराबर है तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। सिंपल सी बातें हैं। सबसे पहले कहा ए बी का 2 गुना है। अगर हम इसे बनाए, ए और बी है, ये कह रहा है ये जो ए है ना, इस बी का 2 गुना है। बी को जितना मानेंगे इसका 2 गुना हो जाएगा ए। बी को अगर 1 मान ले तो इसका 2 गुना हो गया 2। तो ए और बी का अनुपात क्या हो गया, 2:1। यहां लिख लेते हैं 2:1। इसको नीचे से हटा लेते हैं। अब आगे क्या कहा है, बी का 3 गुना सी के 4 गुना के बराबर है। ये कहा है बी का 3 गुना ये बराबर है सी के 4 गुना से। अब यहां से क्या करते हैं, बी और सी का अनुपात निकाल लेते हैं। वो कैसे आएगा, तो बी को यहीं रहने देते हैं, सी को नीचे लेके आ जाते हैं, और 4 को यहीं रहने देते हैं, 3 को लेकर आ जाते हैं नीचे। बी और सी का अनुपात क्या मिल गया, 4:3। यहां लिख लेते हैं बी और सी का अनुपात क्या हो गया, 4:3। अभी हमें इस यहां से ए बी सी का अनुपात पूछा है। कल भी पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग सॉल्व कर रखे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। सबसे पहले स्टेप इस दोनों को गुना करते हैं, 4 गुना 2 हो गया 8। दूसरे स्टेप में इस दोनों को गुना करते हैं, 4 गुना 1 हो गया 4। और तीसरे स्टेप में 1 गुना 3 हो जाएगा 3। ए बी सी का अनुपात क्या हो गया, 8:4:3 हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में आते हैं। सवाल हमारा है 22 नंबर। एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है जिसमें 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है तथा शेष कोई धातु है, तो चांदी तथा इस धातु का अनुपात क्या होगा। अब ध्यान से समझना, सवाल में यही कहा है कि एक आभूषण में 12.5 ग्राम एक आभूषण 12.5 ग्राम का है। तो इस सवाल में यह है कि 12.5 ग्राम का आभूषण है जिसमें से 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है, तो हमसे अब बाकी कोई धातु है। तो हमसे सवाल यह पूछा है कि शुद्ध चांदी और जो बाकी धातु है उसका अनुपात क्या होगा। तो शुद्ध चांदी दे रखा है 2.5 ग्राम है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। शुद्ध चांदी 2.5 ग्राम है। अब टोटल 12.5 ग्राम का है जिसमें से 2.5 ग्राम चांदी है, उसको अगर हटा ले, 2.5 ग्राम को हटा ले, बाकी बचा कितना, 10 ग्राम अन्य धातु है। तो यहां हो गया 10 ग्राम अन्य धातु। तो हमसे क्या पूछा, इस चांदी और अन्य धातु का अनुपात पूछा। इसका पॉइंट हम लोग हटा लेते हैं, नीचे आ जाएगा 10, 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 2 बार में, फिर 5 से इसको 2 बार में काट लेते हैं, ऊपर नहीं कुछ बचा तो 1 बचा, और ये कोना कोना गुना हो जाएगा, क्या आ गया 1:4 इस दोनों का अनुपात होगा। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा सवाल है, यदि ए और बी बराबर 8:15, बी अनुपात सी बराबर 5:8 तथा सी अनुपात डी बराबर 4:5, तो ए अनुपात डी क्या हो। कल भी इस टाइप के सवाल को हम लोग कर रखे हैं। सीधा सा सवाल है, सवाल हमारा कोई लफड़ा वाला नहीं है। ए अनुपात बी दे रखा है 8:15, ए अनुपात बी है 8:15, फिर उसके बाद बी अनुपात सी, बी अनुपात सी दे रखा है 5:8, फिर उसके बाद सी अनुपात डी दे रखा है 4:5, सी अनुपात डी है 4:5। तो हमसे पूछा ए अनुपात डी क्या होगा। पिछले वाले वीडियो में भी चर्चा हो रखा है, ये पहले वाला और आखिरी वाला का जैसे ही अनुपात पूछ दे तो क्या करना है, सारे ये बाहरी वाले को गुना करना है और ये बाहर से सारे बाहरी वाले को गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 40 और गुना 4 हो जाएगा 160 अनुपात। ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 और 40 × 15 कर लेते हैं क्या जाएगा, तो 600 आ जाएगा। उसके बाद 1010 खत्म कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 4 से काट लेते हैं, 4 से 4 बार में, 4 से ये 15 बार में ए और डी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 4:3
15 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 24 नंबर में आते हैं। 24 नंबर सवाल है, यदि m का 15% बराबर n का 20% तो m अनुपात n क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, ये कहा m का 15% सवाल है, m का मतलब हो गया गुना और ये 15% ये बराबर है किसके, तो n के 20% के, n के 20% के बराबर है। तो यहां से हमें m अनुपात n पूछा है। एक काम करते हैं, प्रतिशत प्रतिशत तो खत्म ही हो गया, 5 से ये 3 बार में 5 से ये 4 बार में क्या मिला, 3m = 4n, m बटे n चाहिए, m बटे n, 4 को यहीं रहने देते हैं और 3 को खींचकर नीचे लेकर आ जाते हैं, क्या मिला 4/3, मतलब क्या हो गया 4:3 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में आते हैं। सवाल है, यदि 2a = 3b = 4c = 4c तो a अनुपात b अनुपात c हो क्या होगा। कल भी ऐसे सवाल को हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। सवाल एकदम आसान सा है, सवाल हमारा ये है कि 2a ये बराबर है 3b और ये बराबर है 4c के, तो हमसे क्या पूछा है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो अगर हम ये a अनुपात b अनुपात c निकालते हैं, इसके लिए करना क्या है, हम ये देख रहे हैं ए के साथ में क्या लगा है 2, और हमें क्या करना है ए को अकेला करना है, और इस 2 के नीचे नहीं कुछ है, तो क्या है? जैसे ही हम इस 2 को ए को अकेला करते हैं तो ये जो पार्ट है ये पलट जाएगा, है 2/1 क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। इस वाले में आते हैं, बी को अकेला करना है, बी के साथ है 3 के नीचे नहीं कुछ है तो 1, ये पलट कर बन जाएगा 1/3, और सी के साथ है 4 तो ये बन जाएगा जैसे ही सी को अकेला करेंगे 1/4। अब इस अनुपात को सीधा करना है, सीधा कैसे करते हैं, 2, 3 और 4 नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12 तीनों में 12 से गुना करेंगे, इसमें अगर 12 से गुना करें 2 से कट गया 6 बार में, इसमें अगर 12 से गुना कर ले तो 3 से कट जाएगा 4 बार में, और अगर इसमें 12 से गुना कर ले तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो एबीसी का अनुपात क्या हो गया 6:4:3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में आते हैं। सवाल है, यदि 5 आम और 4 संतरा का वही मूल्य है जो 3 आम और 7 संतरों का है, तो 1 आम और 1 संतरे के मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। सीधा सा सवाल है, ये कहा 5 आम और 4 संतरा अगर इसको रखें 5 आम और 4 संतरा, 5 आम की जगह m लगाते हैं मैंगो, और 4 संतरा ओ नहीं लिखते हैं, ऑरेंज लिखेंगे तो 40 लगेगा, संतरा को एस लिख देते हैं, 5 आम और 4 संतरा इसका दाम बराबर है किसके बराबर है, तो स्पष्ट रूप से कहा है 3 आम और 7 संतरों के, 3 आम और 7 संतरों के बराबर है, तो हमसे 1 आम और 1 संतरे के मूल्य का अनुपात पूछा। एक काम करते हैं, आम वाले को एक तरफ और संतरा को एक तरफ लेके चले जाते हैं, +3 इधर के हो, इधर आके हो जाएगा -3, तो 5m में से 3m माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा 2m, 4s को उधर भेज देते हैं, 7s पहले से है और 4s उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7s में से 4s निकल गया, क्या मिला 3s। अब यहां से m और ये s को नीचे लेके आ जाते हैं, 3 यहीं रहेगा, 2 को नीचे लेके चले जाते हैं, तो क्या मिल जाएगा आम और संतरा के मूल्य का अनुपात 3:2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर सवाल में हम लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और एक काम करते हैं इस S को S जैसा बना देते हैं, नहीं तो ये 5 जैसा ये लगेगा, और इस S को भी S जैसा बना देते हैं, सारे S को S जैसा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में आते हैं। अब हमारा सवाल है, यदि a से b का अनुपात उसके व्युत्क्रम के अनुपात से 9 गुना है तो a बटे b का मान क्या होगा। सिंपल सा बात है, ये कहा a से b का अनुपात वो बराबर है किसके, सवाल है a से b का जो अनुपात है ये बराबर है किसके, तो इसके व्युत्क्रम के, व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका उल्टा, ए बटे बी का उल्टा बी बटे, और ये किसके बराबर है तो इसके 9 गुना के, तो बराबर में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है ए बटे बी का मान,
एक काम करते हैं, कोना कोना अगर गुना करें, ए गुना ए स्क्वायर, और यहां पर बी गुना बी बी स्क्वायर, और ये बराबर में क्या है तो 9, दोनों का स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा तो रूट बन जाएगा, और 9 का रूट क्या होता है तो 3 होता है, तो a बटे बी क्या निकल कर आ जाएगा तो 3, और नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, 3:1 या फिर 3/1 इसका मान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है हरीश सतीश तथा अजय से साझे में व्यापार किया और लाभ 3:2:1 के अनुपात में बांटना तय किया। व्यापार में कुल रुपए 1800 का लाभ हुआ तो सतीश को इसमें से कितना लाभ हुआ। सिंपल सी बात है, लाभ का अनुपात मेरे पास दिया हुआ है, लाभ का तीनों के लाभ का अनुपात है 3:2:1 और सब मिला के 1800 का लाभ हुआ है। उसके बाद हमसे सतीश का हिस्सा पूछ दिया, सीधी सी बात है इसको करते ही है, तीनों के लाभ का अनुपात है 3:2:1, सब मिलाकर 1800 का लाभ हुआ है। तो हम यहां से क्या करते हैं, सब मिलाकर अनुपात में देखते हैं कितने का लाभ है, तो 3 और 2 5 6 अनुपात से टोटल 6 का लाभ है और सवाल से टोटल 1800 का लाभ है। तो हम ये कह सकते हैं 6 बराबर है किसके तो 1800 के हैं, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 6 से 1800 कट जाएगा 300 बार में, 1 बराबर किसके तो 300 के। तो हमसे क्या पूछा है, सतीश को कितना लाभ मिला, सतीश 2 नंबर पे था, सतीश ये बीच वाला है, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 300 के, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा 3×2 = 600, सतीश को लाभ हो जाएगा 600 का। चलिए हम लोग 29 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है यदि ए बी व सी को 3:5:7 में 210 रुपए बांटने हैं तो सी का हिस्सा क्या होगा। सिंपल सा बात है, ए बी सी का अनुपात दे रखा है 2:3:7। 29 नंबर सवाल में ए बी और सी का अनुपात है 3:5:7 और सब मिलाकर रुपए कितना है तो सब मिलाकर 210 रुपए, यहां साइड में लिख लेते हैं 210 रुपए है। अब इसी को बांटना है और हमसे सी का हिस्सा पूछा, हम ये कह रहे हैं टोटल 210 रुपए है, अनुपात से भी क्या करते हैं तो टोटल देख लेते हैं कितना है, टोटल हो जाएगा 7 और 5 = 12, 12 और 3 = 15। हम कहेंगे अनुपात से टोटल है 15 और सवाल से टोटल है 210, इसका मतलब ये 15 बराबर है 210 के। अब हमसे पूछा है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा मतलब ये तीसरे वाले का हिस्सा हमसे पूछा है 7 का, इसलिए 7 बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, 3 से कट गया ये 70 बार में, फिर 5 से कट गया ये 14 बार में, कोना कोना गुना कर लेते हैं 14×7 क्या आ जाएगा तो 98 रुपए सी का हिस्सा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है 2080 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटते हैं कि ए अनुपात बी 5:6, बी अनुपात सी 3:4 और सी अनुपात डी 8:7 दे रखा है रहे तो ए व डी का भाग कितना होगा। अब सवाल को समझना है, सवाल क्या है, ए बी सी डी चार हिस्सा हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले ए अनुपात बी दे रखा है 5:6, फिर बी अनुपात सी दे रखा है 3:4 और सी अनुपात डी दे रखा है 8:7, इतना दे दिया और सब मिलाकर रुपए कितना है तो 2080। तो हमसे ए का और डी का हिस्सा पूछा। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है ना, तो ए बी सी डी यहां पर निकालना, क्योंकि ये 2080 टोटल रुपए है, इसलिए ए बी सी डी निकालना जरूरी है। अब ए बी सी डी कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसको ध्यान से सीखना है, कई तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इससे पहले हम लोग क्या है ना यहां तक निकालने का सीख चुके हैं, ए बी सी निकालने का सीख चुके हैं, सबसे पहले वही निकाल लेते हैं। वो निकालने का तरीका क्या था, सबसे पहले इस दोनों को गुना किए थे, 5×3 हो जाता है 15, फिर इसको गुना करते हैं तो 6×3 हो गया 18, फिर 6×4 हो जाएगा 24, एबीसी निकाल लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, 8:7 है, इसको रख लेते हैं 8:7,
अब करना ये है इस आठ से इस तीनों में गुना करना है और इस सात से सिर्फ आखिरी वाले को, मतलब इस आठ से सभी को गुना करना, इस आखिरी वाले को सिर्फ आखिरी वाले से अगर गुना कर दे तो क्या होगा, ए बी सी डी का अनुपात निकल कर आ जाएगा। फिर से एक बार सुनना है, इस आठ का गुना इस तीनों से करना है और इस आखिरी वाले को फिर से इस आखिरी वाले से करना है, ए बी सी डी का अनुपात निकल कर आ जाएगा। तरीका और भी है तो हम लोग और टाइप आगे बढ़ते जाएंगे, तरीका हम लोग सीखते जाएंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले 15 गुना 8 हो जाएगा 120, फिर 8 गुना 18 गुना 8 हो जाएगा 18 अठे 144, फिर 24 गुना 8 कर लेते हैं, 8 चौके 32 का 2 बाकी 3 अठना 16, 3 हो गया 192, फिर इसको 24 गुना 7 कर लेते हैं, 7 चौके 28 का 8 बाकी 2 सबना 14 और 2 हो गया 16, और ये कैंसिल हो रहा है। तो सबसे पहले इसको कैंसिल कर लेंगे तो काम करना हमारा आसान पड़ जाएगा। 24 से सभी को कैंसिल हो रहा है, 24 से हो जाएगा 5 बार में कैंसिल, 24 से ये 6 बार में कैंसिल, 24 से ये 8 बार में, और ये हो जाएगा 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो अनुपात क्या मिला, 5 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 7, टोटल 20 80 है। तो अनुपात में भी क्या करते हैं तो टोटल ले लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 और 8 19, 19 7 हो जाएगा 26, अनुपात से टोटल रुपए हो गया 26 और यहाँ से है 20 80, इसका मतलब 26 बराबर है 20 80 के। इसको अगर कैंसिल करते हैं तो ये कट जाएगा 80 बार में, एक बराबर क्या आ गया 80। अब किसका किसका हिस्सा पूछा है तो ए का हिस्सा और डी का हिस्सा, एक बराबर 80 के तो 5 किसके बराबर हो जाएगा 80 गुना 5 400 के। फिर पूछा है डी का हिस्सा, एक बराबर 80 के तो 7 किसके बराबर हो जाएगा 80 गुना 7 56 560 के बराबर हो जाएगा, दोनों का हिस्सा निकल गया। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर सवाल में हम लोग आते हैं, 29-30 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और ये 29 नंबर हो गया और ये हमारा 30 नंबर है। अब 31 नंबर पे हम लोग आते हैं, हमारा 31 नंबर सवाल है, यदि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:2 तथा बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 2:3 के अनुपात में 420 रुपए ए बी व सी बांटने में ए व सी का हिस्सा क्या होगा। अब ध्यान से समझना है, सवाल में पहले दिया क्या है ना, ए अनुपात बी प्लस सी दिया है, ए अनुपात बी प्लस सी ये कितना दे रखा है तो 1:2 दे रखा है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सवाल में दे रखा है बी अनुपात ए प्लस सी, बी अनुपात ए प्लस सी ये कितना दे रखा है तो ये है हमारा 2:3 और टोटल 420 रुपए दे रखा है, टोटल 420 रुपए दे रखा है और इसे एबीसी में बांटना है जिसमें से ए का हिस्सा और सी का हिस्सा हमें बताना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एबीसी अकेला तो है नहीं जो काम कर ले, जो प्रोसेस हम लोग सीख रखे हैं। अब यहां करते क्या है ध्यान से समझना होगा, यहां पर एबीसी तीनों है, नीचे भी आते हैं तो एबीसी तीनों है। अगर हम यहां देखें जब इसमें भी तीनों है इसमें भी तीनों है, इस दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 3 और इस दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 5। भाई जब ऊपर में भी एबीसी है नीचे में भी एबीसी है दोनों को जोड़ते तो बराबर आना चाहिए, या तो 3-3 या तो 5-5 आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है। सबसे पहले इसी को बराबर करते हैं, कैसे बराबर करेंगे, नीचे 5 है तो ऊपर गुना करते इस पूरे में गुना कर लेते हैं 5 से, और ऊपर 3 था तो इस पूरे में गुना कर लेते हैं 3 से, तब हो जाएगा बराबर। 5 से गुना करने का मतलब है दोनों में 5 से गुना, एक में 5 से गुना किए 1 और 2 में 5 से गुना कर दिए हो गया 10, 3 से 2 में गुना करते 6 और 3 से 9 में गुना करते हो गया, 3 से 3 में गुना करते हो गया 9। अब आते हैं 10 और 5 15, 9 और 6 हो गया 15। हम ये कहें A का हिस्सा कितना तो 5, A का हिस्सा हो गया 5, B का हिस्सा क्या कह दें तो B का हिस्सा कह दिए 6। अब आए सी के हिस्से पर, दोनों मिला के कितना है, तीनों मिला के 15 है ना,
जिसमें से ये ए और बी मिलकर हो गया 6, 5, 11, तीनों मिलाकर 15, जिसमें से ए और बी मिलाकर हो गया 11, बाकी बचा 4, वो किसका होगा? तो सी का हिस्सा होगा। तीनों का हिस्सा निकाल लिए, अब देखते हैं ये 420 तीनों मिलाकर है ना, तो यहां से भी तीनों मिलाकर देख लेते हैं, 6, 4, 10, 10, 5, 15, तीनों मिलाकर आया 15 और हमारे सवाल में तीनों मिलाकर दे रखा है 420। अब इसको सॉल्व करते हैं, 15 बराबर 420 के, इसको कैंसिल करें, 3 से 5 बार में, 3 से 140 बार में, फिर 5 से इसको कैंसिल कर लेते हैं 28 बार में, 1 बराबर क्या आ गया, तो 1 बराबर 28। अब हमसे क्या पूछा, ए का मान और सी का मान, 1 बराबर 28 के, तो एक है ए है 5, तो 5 किसके बराबर, 28 × 5 कर लेते हैं 140, ए का हिस्सा निकल गया। अब सी का हिस्सा निकालते हैं, तो सी का हिस्सा 1 बराबर 28 के, तो सी का हिस्सा 4 किसके बराबर हो जाएगा, 28 × 4 कर लेते हैं, तो 28 × 4 क्या हो जाएगा, 112। तो हिसाब से दोनों का हिस्सा निकल कर आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है 189 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी के बराबर व बी को सी के बराबर हिस्सा मिले, तो सी का हिस्सा क्या है। सिंपल सा सवाल है, 189 रुपए टोटल है। सवाल नंबर 32 नंबर सवाल, टोटल 189 रुपए है, जिसमें ये कहा कि ए को बी के बराबर मिलता है और इस बी को सी के बराबर मिलता है, सब आपस में बराबर है, तीनों को बराबर मिल रहा है, जैसे ही बराबर मिला इसका मतलब तीनों का अनुपात है 1:1:1, जैसे ही तीनों को बराबर हिस्सा मिले ना उसका अनुपात क्या मानेंगे, 1:1:1, यहां से तीनों मिलाकर कितना हो गया 3, और हमारे सवाल से कितना है 189, इसका मतलब 3 बराबर हो गया 189 के, तो 1 किसके बराबर हो गया, इसको काट लेते हैं, 1 बराबर हो गया 63 के। तो हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, हमसे सवाल में पूछा ये कि सी का हिस्सा क्या होगा, 1 बराबर 63 सबको, तो एक एक ही मिल रहा है ना 63, तीनों का हिस्सा 63 ही पूछे, ये पूछे, बी पूछे, सी पूछे, तीनों का हिस्सा 63 रुपए ही हो गया। चलिए 33 नंबर में आते हैं, 33 नंबर सवाल है, 1500 रुपए ए बी व सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी व सी का आधा तथा सी को ए व बी का आधा मिले, तो बी का हिस्सा क्या है। अब इसको क्या है ना, ध्यान से अच्छे से समझना है, सवाल में ये कहा टोटल 1500 रुपए है, जिसमें ए को जो है ना, अगर हम बात करें ए के बारे में, ए को बी और सी का आधा मिला हुआ है, ए को बी और सी का आधा मिला है, उसके बाद जब पहुंचते हैं सी के पास, अगले वाले में ये कहा सी को ए व बी का आधा, सी को ए व बी का आधा मिला, तो हमसे पूछा है बी का हिस्सा बताना है, तो यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना तो जरूरी है, टोटल 1500 है। अब एक काम करते हैं, यहां से ए अनुपात बी प्लस सी अगर करें तो यहाँ 1/2 है ना, तो क्या हो जाएगा 1:2, यहां से अगर हम लिखे सी अनुपात ए प्लस बी, तो यहां कुछ नहीं तो ऊपर में एक है, 1/2 का मतलब हो गया 1:2। अगर हम यहां देखें ए बी सी ऊपर में भी है, नीचे भी ए बी सी है, इस दोनों को जोड़ते हैं तो 3, इस दोनों को जोड़ते हैं तो 3, इसका मतलब है ए का हिस्सा है 1, सी का हिस्सा है 1, टोटल था 3, यहां से भी 3, यहां से भी 3 है, टोटल है 3, जिसमें से ए का हिस्सा 1, सी का हिस्सा भी 1, तो बी का हिस्सा भी क्या हो जाएगा, तो बी का हिस्सा भी हो गया 1, मतलब तीनों बराबर बराबर हो गया। सवाल में तीनों मिलाकर 1500 रुपए है, यहां से तीनों मिलाकर 3 है, तो क्या कहेंगे, 3 बराबर है 1500 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, कट गया 500 के, 1 बराबर 500 के। अब जिसका भी हिस्सा पूछे 500 होगा, ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, तीनों का हिस्सा क्या होगा, तो 500 रुपए होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल में। सवाल है चाय के एक बाग में कार्यरत पुरुषों व स्त्रियों का अनुपात 3:2 है, यदि कुल कर्मचारी 165 हो तो स्त्रियों की संख्या क्या है। स्त्री और पुरुष का अनुपात दे रखा है, एकदम सिंपल सा सवाल है, स्त्री और पुरुष का अनुपात है 3:2, ये स्त्री और पुरुष या पुरुष या स्त्री का अनुपात, सबसे पहले है पुरुष, ये हो गया पुरुष और ये हो गया स्त्री, इस दोनों का अनुपात 3:2, सब मिलाकर 165 है, तो भाई यहां से सब मिलाकर देखते हैं 5 है, हमारे सवाल से सब मिलाकर 165 है, इसका मतलब 5 बराबर 165 के, इसको अगर हम लोग काट ले तो क्या आ जाएगा, 5 + 15
और ये 5 से 33 बार में एक बराबर आ गया 33 के। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा गया है स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या कितनी है 2, एक बराबर 33 के, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा 33 दुना 66 के। एकदम सिंपल सा सवाल हमारा 34 नंबर है। चलिए 35 नंबर में आते हैं। सवाल है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, इनमें से छोटी संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एकदम सीधा सा सवाल हो गया, संख्या का अनुपात मेरे पास दे रखा है 3:4, संख्या का अनुपात हो गया 3:4, इनमें से छोटी संख्या 75। भाई हमारे अनुपात में छोटी संख्या है 3 और सवाल के अनुसार छोटी संख्या 75, इसका मतलब 3:75 के, तो 1 किसके बराबर, ये 25 से कट गया, 1:25 के। तो दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या कौन सी है 4, तो दूसरी संख्या 25 चौके हो गया 100। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल है, तीन संख्याओं जो 1:4:5 के अनुपात में तथा उनके वर्गों का योग 1050 है, तो ये संख्याएं कितनी है। सीधी सी बात है, तीन संख्या है और इसका अनुपात है 1:4:5, 1:4:5। अब ये कहा इनके वर्गों का योग 1050 है, वर्गों का योग, एक का वर्ग होता है 1, 4 का वर्ग हो गया 16, 5 का वर्ग हो गया 25, इन्हीं सब का योग दे रखा है कितना, तो 1050। यहां से देख लेते हैं सब मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 6 5 11 1 12 और 2 1 3 3 1 4 42 हमारे अनुसार 42। अब यहां ध्यान रखना है, वर्गों का योग बोला है ना, इसके साथ अगर नहीं कुछ होता है तो एक्स हम लोग लगाते हैं, तो एक की जगह एक्स का स्क्वायर होता, यहां कुछ नहीं तो 4x रखते तो 4x का स्क्वायर होता, यहां कुछ नहीं तो 5x अगर रखते तो 5x का स्क्वायर, मतलब यहां क्या है ना, एक कांस्टेंट टर्म छिपा हुआ है, तो यहां क्या रखना होगा, एक्स स्क्वायर साथ में लगाना होगा, नहीं तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। तो हमारे अनुसार 42x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो 1050 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, तो कैंसिल अगर हम लोग करें, 3 से ये कट गया 14 बार में, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 5 15, फिर 7 से इसको 2 बार में काटते हैं, 7 से कट जाएगा ये 50 बार में, 2 से कट गया 25 बार में, एक्स स्क्वायर का निकल कर आया, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट बन जाता है, तो 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, एक्स का वैल्यू निकल कर आ गया 5। अब हमसे क्या पूछा है, सवाल में ये पूछा है कि तीनों संख्याएं क्या होगा, पहला है हमारा 1, 1 का मतलब एक्स, एक्स तो हमारा 5 निकल कर गया है, दूसरा है 4, 4 का मतलब 4x, x का वैल्यू 5, तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20, तीसरा 5x, x का मतलब 5, 25 क्या हो गया 25, तो तीनों संख्या हमारा निकल कर आ गया। चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।